जहानाबाद जिला के 12वां पंचायत और यहाँ की मुखिया सिमरन राज अचानक चर्चा में आ गई हैं। सिमरन राज का चयन बिहार के उन 9 महिला मुखियाओं में हुआ है जिन्हें इस बार स्वतंत्रता दिवस में विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जारी निर्देश के आलोक में बिहार राज्य पंचायती विभाग ने इन महिला मुखिया को सूचना दी है। 12 अगस्त को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से सभी लोग नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 15 अगस्त को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जैसे ही गांव में यह जानकारी मिली है, गांव के बच्चे बुजुर्ग से लेकर सभी वर्ग के लोग काफी प्रसन्न हैं। ग्रामीण महिला प्रमिला देवी ने कहा कि यह पूरे गांव के लिए गर्व की बात है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई महिला गाँव से जाकर दिल्ली में इतने बड़े कार्यक्रम में विशेष रूप से बुलाई जाती है तो यह बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बात आगे रखेंगे, मुखिया दिल्ली जा रही है तो गाँव की बात और समस्याओं को वहां कह सकेंगी और उनका हल कराएंगी। 12वां पंचायत की मुखिया सिमरन पहले एनजीओ में काम करती थी, बाद में जीविका से जुड़ी सिमरन अपने गांव और पंचायत के विकास के लिए काम कर रही हैं। उनके पति पहले तो नाराज रहते थे लेकिन अब कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। इस बार सिमरन अति पिछड़ी सुरक्षित सीट से मुखिया निर्वाचित हुई तथा अपने गाँव का रंग रूप ही बदल दी। मुखिया सिमरन राज कहती है कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिमरन के प्रयास से पंचायत में बिजली, सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं। पंचायत जहानाबाद और पटना जिला के बॉर्डर पर है, इसके बावजूद सिमरन जिला के हर कार्यक्रम में शामिल होती हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।